हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगा अंकोजा लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको जो है चिली पनीर बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले जो है मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जो है 200 ग्राम पनीर लिया है, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है और एक चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और 2 बड़े चम्मच जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसमें एक आधा छोटी चम्मच आपको इसमें नमक ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके और हम जो है इस पनीर को लगभग 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। मैं आपको चिली पनीर आटे का यूज़ करके बनाना बताऊंगी, मैं मैदे का यूज़ नहीं करूंगी, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब जो है पनीर हमारा मैरिनेट होने के लिए लगभग 15 मिनट तो लगेगा, इसलिए हम इसको साइड में रख देंगे। अब हमको चिली पनीर बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं। मैंने इसमें एक बड़ा प्याज लिया है, उसको ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है और एक चम्मच उसमें अदरक लहसुन लेके और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। एक शिमला मिर्ची ली है मीडियम साइज़ की, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और 4 मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं उनको कट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 चम्मच आटा लिया है, आशीर्वाद आटा जो होता है, और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर मैंने मिलाया है। देखिए पनीर हमारा मैरिनेट होने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इन पनीर के क्यूब्स को ये जो लिक्विड है इसके अंदर डिप करके इसको हम डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई जो है हम लोग मीडियम फ्लेम पर करेंगे। नॉर्मली जो चिली पनीर बनता है वो जो है मैदे के अंदर उसको डीप किया जाता है, बट मैंने इसमें आटे का यूज़ किया है तो ये काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। इसको जो है हम लोग मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसको हम जो है गोल्डन ब्राउन कलर होने तक डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा भी हमको इसको गोल्डन कलर में नहीं करना है, अदरवाइज जो है ये पनीर स्टिकी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सारे पनीर के क्यूब्स को डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई होने के बाद में ये पनीर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम लोग जो है इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने जो इसमें इसका एक्स्ट्रा ऑयल था वो इसमें कढ़ाई में से निकाल दिया है। अब मैंने इसमें कटा हुआ अदरक और लहसुन डाला है। अदरक लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो है मैं इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। इसमें मैंने प्याज ऐड की है, इसमें मैं ग्रीन चिली शिमला मिर्ची सब कुछ ऐड कर दूंगी और इसको हमको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि ये हमारी चाइनीज़ डिश है तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा कच्चा रखना पड़ेगा। अब जो है मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। अब इसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच किसान केचप लिया है, टोमेटो केचप। अब जो है मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। नमक आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना इसमें नमक जो है तेज़ हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग चाहें तो विनेगर भी आधा चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने भी इसमें ऐड किया है। ग्रेवी हमारी देखिए रेडी हो गई है। अब जो है मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर को आधा कटोरी पानी में घोल के साइड में रख दिया था, उसको मैंने इसमें डाला है। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। ग्रेवी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं, इसको लगभग हम 40 से 50 सेकंड के लिए इसको पकने देंगे। इसके बाद में जो है हम लोग इसको साइड में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा चिली पनीर रेडी हो चुका है।
अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके बाय बाय।